सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आर माय यूट्यूब व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। एंड अभी बज रहे हैं आपका 10, और अभी मैं उठा था और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, गला आप देख सकते हैं, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। सो वही अभी मैं वरदान भाई का फ़ोन आया था, वो कह रहे हैं 18 सेक्टर हमें जाना है, तो हम जाएंगे अभी 18 सेक्टर एंड दिखाते हैं, उन्हें कुछ काम है वहाँ पर। सो वही, एंड भाई आपने देखा होगा जैसे कि चट प्रभजोत भाई का हमारा एक्सीडेंट हो चुका है, उनके लिए दुआ करिए यार आप सब लोग कि वो जल्दी ठीक हो जाए। एंड उनकी बाइक पूरी टूट चुकी है यार, बाइक तो फिर आ जाएगी, बट आदमी की ज़्यादा वैल्यू होती है। और जिनका उनकी बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, उन अंकल की डेथ हो चुकी है, वो एजिड थे थोड़े। सो वही, उनके लिए भी दुआ मांगना कि उनकी आत्मा को शांति मिले। एंड भाई आराम से चलाया करिए बाइक सब चीज़ें, क्योंकि बहुत जल्दी हादसे हो जाते हैं और पता नहीं लगते। सो वही, सो यार निकलते हैं, अभी रेडी वेडी होता हूँ मैं फटाफट, एंड मिलते हैं आपको। यार बाइक पीछे नहीं कर पा रहे यार जान भाई, तो ये भाई वहाँ लगा दिए, अभी वहाँ से उठा कर ना ले जाए क्रेन वाले। और ये देखो भाई, वेव वन कितना प्यारा लग रहा है भाई, इसका ऑनर को गोली मार ये, हाँ इसके ऑनर को गोली मार दी। अभी आए थे हम यहाँ पर रियलमी के सर्विस सेंटर, मैं कह रहा हूँ शोरूम आए थे यहाँ वरदान भाई की डाटा केबल चेंज करवाने, और मेरा गला देख लो बैठा हुआ है पूरा। हम रियलमी की डाटा केबल चेंज करवाने, और ये कह रहे हैं आप के शोरूम जाओ वहाँ पर चेंज होगी, या सर्विस सेंटर जाओ वहाँ चेंज होगी। और ये भाई समझा रहे हैं अभी वरदान भाई ने कि हल्के हल्के चलाया करो, आराम से पीछे, समझ आ रही है? एक पैर पे तो तुम्हारे, तो भाई उन्होंने बोला वेव मॉल में सर्विस सेंटर है, तो हम जा रहे हैं अभी वेव मॉल के अंदर और अंदर देखते हैं सर्विस सेंटर। क्यों ईशान भाई? हाँ जी, मुद्दू काट दिया डाटा केबल लेते समय, तो नहीं बता बोला उन्होंने है सर्विस सेंटर से रिपेयर हो। कोई नहीं भाई, कहीं से भी चेंज हो जाए बस हो जाना चाहिए, और नहीं चेंज होगा तो उसके दुकान पे भी चेंज करेगा वहाँ से, वो तो एक फेंक मारना है उसके ये काउंटर पे, वहीं पे रखा हुआ है एक डब्बा नया, वो निकालेंगे आपको नाला। भाई हमारे पीछे एक लड़की आ रही है, लड़ती हुई आ रही है, वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत तेज तेज। गाइस आज सर्विस सेंटर बनता रियलमी का, और अभी हम आए हैं डीएलएफ में आए हैं हम, डिकैथलॉन में कुछ खरीदना था वरदान भाई को, तो हम आपको दिखाते हैं ऊपर चलते हैं। और ये पीछे आ रहे ईशान भाई, पार्किंग जोन पार्किंग है ताकि हम भूले ना। एक ये कलर भी है, अभी निकल चुके हैं हम गाइस, जा रहे हैं वापस शायद पर DLF की फेमस कचौड़ी। को देखने के लिए लोग आ जाते हैं दूर दूर से, ऐसी बना रखी है भाई ने हमारे, अभी अभी घर पहुंचे हैं गाइस हम। ये है एडवांट, और ये ईशान भाई बाइक चला रहे हैं वहां से, अभी ये परसों इस गड्ढे में गिर गए थे नीचे बेचारे, तो अभी मैं इनके आरएस पर हूँ और ये नीचे से आ रहे हैं। चलाओ ब्रो। और ये भाई सब कल गिर गए थे भाई इस गड्ढे में, और इस गड्ढे में बाइक तो ऊपर ही रह गई थी, और ये भाई बहुत पतला सा गड्ढा है वहाँ ना, बहुत नीचे है गड्ढा, तो यहाँ से छोटा सा रोड बना हुआ है। आराम से गियर छोड़ो। ओ भाई फाइनली पहुंच गए। सो गाइस अभी आया हूँ घर वापस, और मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, आवाज़ से पता लग रहा होगा आपको। एंड यार जो हम काम से गए थे वो तो हो नहीं पाया, क्योंकि आज सर्विस सेंटर बंद था, शायद कल जाए, जैसा भी होगा तो पता लग जाएगा। अभी घर जा रहा हूँ ऊपर, एंड आपको ऊपर चलकर मिलते हैं। सो वही यार, उससे ज़्यादा तेज़ भाई बिल्कुल नहीं बोले जा रहा, मेरा गला ख़राब है, तो आप ये मत सोचना कि आवाज़ कम आ रही है।
कभी ये बोलो कमेंट में कि आवाज़ कम आ रही है। लगाने के बाद मैं सो गया था और यार मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, आप देख सकते हैं मेरा गला पूरा फटा पड़ा है। एंड अब उठा था मैं, अभी नीचे गया था यार अपना काम से। सुबह यार अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो और यार लगा आपने देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरे चैनल पर नया हो। एंड मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय, पीस आउट, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय। सब सबर कराए सर आए ना मैं खा।